तीन चरणों में आयोजित होने जा रहे आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की दोनों बड़ी गठबंधन पार्टी बीजेपी और आईपीएफटी को आपसी झड़पों में उलझते देखा जा रहा है। नामांकन दाखिल करने को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में दोनों पार्टियां हिंसा पर उतर आई है। खबर के मुताबिक कालिकापुर के ज्वाराग नगर ब्लॉक में नामांकन भरने गए आईपीएफटी समर्थकों पर बीजेपी के समर्थकों ने हमला कर दिया और उन्हें नामांकन भरने से रोकने की कोशिश की। इस झड़प में 7 से अधिक लोग घायल हो गए जबकि वाहनों को क्षति पहुंचाई गई है। हम लोगों को बताया भाई प्रोसेशन करके आओगे, कौन सा रास्ता से आओगे, प्रोसेशन का परमिशन कहाँ है, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ था। तो अचानक हम लोग गाड़ी से स्टार्ट किया और ये जो क्या है गोली जो बहुत ये रास्ता है नेहरू रास्ता है, इसी रास्ता से हम लोग आ गया। हम लोग आप लोग देखा है था कितना सिक्योरिटी का इंतजाम किया, मेन रास्ता में बहुत सारा सिक्योरिटी था, लेकिन ये मेन रास्ता से नहीं आया, ये चिपा वाला जो रास्ता है इसी रास्ता से आ गया। तो इसमें थोड़ा बहुत क्लैश हो गया, दूसरा वाला कोई पार्टी आके हम लोग का गाड़ी को तोड़फोड़ किया और ये हुआ, थोड़ा माइनर इंजरी भी है। अभी तक तो क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कितना इंजर्ड हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत इंजरी हुआ इतना तक इन्फॉर्मेशन है। दो के चुनाव से पूर्व मंगलवार को सम्मान भवन में सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई निर्णायक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पवन चावलिंग ने कहा कि पहली जनवरी 2017 से नहीं बल्कि 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को बकाया अदा की जाएगी। उन्होंने साथ ही आगामी विजयादशमी से पूर्व अग्रिम बकाया राशि अदा करने की भी घोषणा की। इसका अनुपात ग्रुप ए के कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 95,000, ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए 50,000 और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए होगा और इसे 3 किश्तों में दिया जाएगा। छात्रों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और सोशल मीडिया के प्रति छात्रों के बीच बढ़ते जुनून को रोकने के लिए सभी राज्यों के शिक्षा विभागों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी परामर्शावली के बाद मेघालय के स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें छात्रों को सोशल मीडिया के सुइसाइडल गेम से बचने की सलाह दी गई है। इस ऑनलाइन गेम में गेम पर नियंत्रण करने वाला व्हाट्सएप पर खिलाड़ियों को खुद को ही नुकसान पहुँचाने वाले कुछ चैलेंज उठाने के लिए बहकाता है। ब्लू वेल नामक सुसाइडल गेम के बाद अब मोमो चैलेंज नामक इस गेम ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दे आर वेल लुक्ड आफ्टर बिकॉज वी हैव टू काउंसलर्स देयर, ब्रदर लोबो एंड मिस बेल्डा, एंड वी हैव टू वर्किंग काउंसलर्स, दे हैव रेगुलर क्लासेस एवरी डे, दोज आर लाइफ स्किल क्लासेस, सो व्हाटएवर इश्यूज और चैलेंजेस दैट द स्टूडेंट्स फेस, बी इट पीयर प्रेशर और सच गेम्स लाइक यू मेंशनड Momo or Blue Whale, whatever it is, our counselors are doing a good job and the students are well looked after in our school. Make them aware that don't be victims of such games because they are not safe for you. And the counselor from time to time follows up the students and they get proper guidance, proper information. So that's why in our schools nothing such things that happen. 13 सितंबर का दिन मणिपुर के कुकी समुदाय के इतिहास का काला दिन है। इसी दिन NSCNIM के कैडरों ने 115 से अधिक बेकसूर कुकी नागरिकों की हत्या कर दी थी। ये हत्याएं 1993 में कुकी गांव में नस्ली सफाई अभियान के दौरान की गई। NSCNIM का यह नरसंहार 1992 से 1997 तक चलता रहा। इस अवधि में 350 से अधिक गांव फूके गए जबकि भाले और कुल्हाड़ी से 1000 से अधिक बेकसूर कुकी लोगों की हत्या की गई। उसी समय से हर साल कुकी लोग शोक गीतों और प्रार्थना के जरिए न्याय की मांग कर रहे हैं। Actually, Kuki Black Day, it's the commemoration. Essentially, the 25th anniversary is being remembered. There's no other purpose or demand other than seeking justice for the bereaved family members, you know, people who have been killed. Why were they killed? More than 1,000 people were killed simply because they are Kukis.